खुशाइन बात है, जाहिर है, पता है कि जो डिलीवर करता है वही आता है। और डिलीवर की वजह से नहीं है, खुदा का वास्ता यार, बार बार डिलीवर डिलीवर नहीं तो क्या, डेढ़ साल में जो डिलीवर किया है आप सब के सामने है, आप खुद डिलीवर नहीं कर सकते। और चिढ़ नहीं रहा, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ दिल्ली से लाहौर, जाना जो मैंने डाला पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, आज से डेढ़ साल पहले मैं 6,000 के पेट्रोल डलवाता था तो मैं लाहौर पहुंचता था, 15,000 का पेट्रोल पाने लाहौर छोड़े। अच्छा सुनो, डेढ़ साल से पहले जो हुआ है उसी चीज़ों को आगे लेके चले। अगर डेढ़ साल से पहले ये ना मियां नवाज शरीफ के पीछे भागते, ये ना आंखें बंद कर करके असम्बली में तकरीरें करते, वजीर अतला थे जो भी था, ये रियलिटी पेश करते अवाम को बताते, क्योंकि इनकी जो तकरीर हैं असम्बली में, जो इनके भाषण है ना वो सुनने के काबिल हैं, कभी आप निकलवा के सुने, भाषण कम थे और वो जो थिएटर होता है ना चौहान थिएटर वो ज़्यादा था, चौहान थिएटर हाँ असम्बली में। तो नहीं, पिछला डेढ़ साल आप किसके पीछे भागे हैं? नहीं हम लोग किसके पीछे भागे, हम नहीं भागे नहीं, मगर उनका मेन पॉइंट है कि 3.5 साल आप लोगों ने मियां साहब वो करते रहे, और ये आप कह रही हैं ना? जी ये करते रहे, करते रहे, और फिर उसके बाद अगर ना जाते मुल्क की तरफ, जाते उसको तरक्की की तरफ लेके जाते, ना कि मियां साहब को पकड़ने के, हमजा साहब को पकड़ने के, मरियम बीबी को पकड़ने के, अदर जो हमारी क्यादत है उनके प्लान ना करते, कोई मशी प्लान करते, कोई इनका मेगा प्रोजेक्ट बताया 3.5 साल का जो अगर है तो वो प्लान करते, तो मेरा ख्याल है कि आज हम इन हालात को ना पहुंचते, ये डिफॉल्ट की रग ना लापते, पाकिस्तान को सही ढगर पे लेके चलते, तो आज ये जो हालात हैं हम भी इसके ढसे हुए हैं, ये भी इसमें शामिल है, ये तो सबसे ज्यादा इनके हालात जो है ना वो खराब। लेकिन मैडम मैं गल करना चाहूंगा कि डेढ़ साल दे विच पेट्रोल महंगा, महंगाई की मैंने कोई फिक्र नहीं, एक मैंने बहुत खुशी है कि डेढ़ साल च वड्डे मियां साहब छोटे मियां साहब बीमार नहीं हुए। अगर वो बीमार भी हैं तो उनको मुल्क की फिक्र है, जब आवाम की दुआएं हों और लोगों के का ख्याल हो, जब चले जो भी सब कुछ तो ठीक नहीं, वो तो आपके भी लीडर ने एंजॉय की, आपने मिनिस्ट्री एंजॉय की है, आपने सिर्फ एंजॉय किया है काम नहीं किया। अगर हमने वजारत उज़्मा को एंजॉय किया तो हमने डिलीवर करके भी दिखाया। यार मुझे ये बताएं कि 1.5 साल में क्या डिलीवर हुआ, बताएं जी क्या डिलीवर किया आपने? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क डेढ़ साल में कर दिया, बेड़ा गर्क नहीं किया, आप आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने आवाम का बेड़ा गर्क किया, IMF का मुआहिदा ना तोड़ते, आपने क्यों तोड़ा और उन्हें क्यों निकाला? वजीर खजाना पंजाब के को फोन किया, क्यों आपने केपीटी के वजीर खजाना से फोन करवाया, क्यों छोड़े? अच्छा सुनो, क्यों छोड़े? चौहान साहब आपको एक्चुअली लगता है कि जो नई पार्टी है आपकी, इसके चांसेस हैं इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस? सर नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब के अंदर जनाब IPP की हुकूमत होगी। अच्छा, यानी कि होगी ही, कर दी आप वो फाइनल बात कर दी, फाइनल ये जिस पार्टी में जाते हैं वो होगी। सीरियसली बता रहे हैं वो? IPP की पंजाब में हुकूमत होगी। सिंध में किसकी? और वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे सुटेबल कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। ओए, अच्छा सुंबल जी ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सुंबल साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, मैं कोई इनके साथ कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कन्फ्लिक्शन या कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो रावलपिंडी बैठा हूँ। इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आती है, वहीं से ही आती है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है, तो खबर मैं आपको बड़ी सॉलिड दूंगा। IPP की हुकूमत प्लस एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो भी बननी है? नहीं, बनी हुई है। अच्छा बनी हुई है, उसकी पंजाब में हुकूमत होगी। ओए होए, और वफाक के अंदर सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के वो शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा ये तो सुंबल जी आप कुछ इस पे कहेंगे कि तो उसी खबर सुना गए हैं। एक और ऐड कर दूं, एक और ऐड आ रहा है, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं है, और बिलावल जरदारी साहब जो अपनी तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट बने बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से किरदार नहीं। आखिरी वाली बात तो आपने नहीं माइंड की होगी, मगर उससे पहले सेकंड लास्ट जो थी, नहीं वो तो खुशाइन बात है, जाहिर है पता है कि जो डिलीवर करते है वही आता है, और डिलीवर की वजह से नहीं है, खुदा का वास्ता यार, बार बार डिलीवर डिलीवर नहीं तो क्या, डेढ़ साल में जो डिलीवर किया है आप सब के सामने है, आप मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ दिल्ली से लाहौर, जाना जो मैंने डाला पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, आज से डेढ़ साल पहले मैं 6,000 के पेट्रोल डलवाता था तो मैं लाहौर पहुंचता था, 15,000 का पेट्रोल पाने लाहौर। साढ़े 3 साल में आपने भी 1,000 के पेट्रोल को 4,000 पे पहुंचाया है, वो भी याद रखें, वो भी याद रखें, जिस वजह से मैं हमारा पेट्रोल ना याद रखें कि हमने आप 15,000 का डाल दिया, पेट्रोल आपने भी 1,000 से 4,000 का किया था, आपने भी सब कुछ जो नहीं आपने आपने अपने दौर में कौन सी चीज जो थी वो सस्ती की थी वो बताएं ना, हमारी तो महंगाई के रोने रो रहे हैं, वो बताएं कि आपने 3.5 साल में क्या चीज सस्ती की थी। यार पहली बार के चौहान साहब भी कोई नहीं सुन रहे, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैंने बात कही है ना,
वो इस वजह से कही कि डेढ़ साल की उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है, मुक्तदर हलकों के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अच्छे तरीके से वक्त गुजारा है। वरना हर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पहले 6 महीने के अंदर ही उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। ये हिस्ट्री है, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुझे पता है। और ये वाहिद 1.5 साल में इन्होंने किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके कोई खिलाफ, कोई कंट्रडिक्शन, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई डिसलाइकमेंट, कोई कंट्रोवर्सी वो नहीं आई। तो इस एंगल से सबसे सूटेबल वो कैंडिडेट है। हालांकि मेरे ये तो बात आपको अच्छी लगी होगी, मेरी पार्टी के नहीं है, है ना, लेकिन मैंने एक फैक्चुअल बात आपके सामने रखी है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। मगर अब आपके जो पेशेंट गोई का दूसरा हिस्सा, वो तो कट है, वो जो वो आपको कैसा लगा है कि मियां साहब जो है वो कोई होगा ही नहीं सियासत से ताल्लुक? मियां साहब नहीं जी, आए मियां साहब का वो हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। ये ना कहे कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अगर सियासत से ताल्लुक ना होता तो आज मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ना लिया जाता। उनका ताल्लुक है तो नाम लिया जा रहा है ना, जिनका ताल्लुक नहीं होता उनका नाम नहीं लिया जाता। बेसिकली आप इनकी पेशन गोई जो उन्होंने 3 की उसमें से पहले हिस्से से मुत्तफिक हैं? मैंने जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है उससे मुत्तफिक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी सियासत नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि तो किसी को खत्म नहीं कर सकता। नहीं, आपने कहा कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं। उज़्मा के हवाले से नहीं, वज़ारत-ए-उज़्मा नहीं कहा। अच्छा सुन लेना, बता दो वज़ारत-ए-उज़्मा नहीं कहा, अभी आप कह रहे हैं वज़ारत-ए-उज़्मा। वज़ारत-ए-उज़्मा के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं, वो नहीं होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं होंगे, उनका भी वज़ारत-ए-उज़्मा के हवाले से। और सर ये चेयरमैन पीटीआई उनका कोई चांस है लगता है आपको? नहीं, इस अगले इलेक्शन में कोई नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो फिर की करोगे? खान साहब आ गए मैं मजाक कर रहे हैं। मैं वाहिद बंदा हूं जो फ्रंट फुट आके, जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, वाहिद बंदा हूं जो 2.5-3 महीने से फ्रंट फुट पे खेल रहा हूं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी छोड़ी रियासत के साथ मोहब्बत की वजह से, उसके ऊपर मैं पिछले 30 साल से और पिछले 5 साल अपने इक्तदार के दौर में और 1.5 साल हकीकी आज़ादी की जंग के दौर में मैं उसके ऊपर कारबंद रहा था। मैं उस वक्त भी इज्जत और वकार की जंग पार्टी में लड़ रहा था, तो मुझे क्या परेशानी है? इलेक्शन जो है वो माइनस पीटीआई होंगे। एक चीज़ आपके सामने रखूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में अमेरिका का इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गया, जो बाइडेन जीत गया। 4 जनवरी को कैपिटल हिल्स वाशिंगटन में, जहां पे इनके सारे पार्लियामेंट हाउस और दफातर हैं, कांग्रेस का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास रखा गया, जिसमें रेक्टिफाई करना था नवंबर 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को, जो उनकी रवायत है कि रेक्टिफिकेशन होती है। एंड उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तरह का 9 मई का वाकया, लेकिन थोड़ा सा 1000% लेस, हमारी इंटेंसिटी 1000% ज्यादा थी, उन्होंने अपने हजारों बंदे इकट्ठे किए, हमला कर दिया। हमला किया, उनमें से एक गया, उसे जाके स्पीकर की कुर्सी पे इस तरह बैठ के टेबल पे इसका पांव रख लिया, और फिर जो तोड़फोड़ सारा कुछ हुआ। पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए अर्ज है, 4 महीने के अंदर 1098 बंदों के खिलाफ पर्चा हुआ, और 4 महीने के अंदर 750 बंदों को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद हो गई है। और जिसने कुर्सी पे जना बैठ के इस तरह टेबल पर रखा था, उसको 8 साल की कैद हुई। इसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ लॉ, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारा तो 1000% ज्यादा सीवियर मामला था। तो कहने का मकसद ये जो कुछ हुआ है भुगतना तो है। इसराइल और इंडिया वो कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान के साथ, जो 9 मई को जनाब मुहिब्बे वतन लोगों को इस्तेमाल करके।